अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको हमेशा खुश रखे। तो आए हैं आज हम अपने अंकल के घर, तो अभी हम बजाते हैं बेल और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है, तो ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, अभी हम चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम, ये है छोटी सी नन्ही परी ज़ैनब, अंकल की बेटी है। कैसे हो ज़ैनब, ठीक हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और अभी अब अगर आप घर जा रहे हैं तो व्यूवर्स, इनका घर जो है काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे दरख्त भी हैं। और मुश्तबा को जो है एक इसकी पुप्पो है लाइबा उठा के ले गई है, तो अभी हम चलते हैं इधर। इन्होंने काफ़ी पौधे वगैरह लगाए हैं और बहुत तो बारिश भी हुई थी, तो ये कुछ इस तरह से सीन है। तो व्यूवर्स आप देखें यहाँ पे जो है ना सर्दी है और यहाँ पे काफ़ी सर्दियों में यहाँ पे काफी मजा आता है। यहाँ पे शोर काफी ज्यादा है क्योंकि बाय रोड पे जो है तो ये देखिए यहाँ पे बहुत खड़ी खड़ी आवाज चल रही है गर्मी में, यहाँ पे आने का बहुत ही मजा आएगा। तो भी बस अभी मैंने आपको थोड़ा सा जो है ये इस साइड से मैं आपको दस्त दिखाती हूँ और अभी हम चलते हैं अंदर और फिर मैं आपको विजिट करवाऊंगी जो बाय स्टॉल लगा है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं उनका विजिट करूँगा। अभी हम चलते हैं अंदर। तो अभी बस हम अंदर जाके चाय शेप पी, खाना छाना खाया, तो मुश्तबा साहब हमें बहुत तंग कर रहे थे तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो अभी हम आए हैं स्टॉल पे, यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त इनके पास वैरायटी है, बहुत ही मुनासिब चीज़ें हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? तो ये बताएंगे आपने किस तरह का स्टॉल लगाया हुआ है अपना? अच्छा अच्छा, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आप काइंडली बताएं आपने क्या खा रखा है? सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, बेडशीट्स वगैरह। तो भी बस यहाँ पे इनके पास सेंटर पीस भी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत हैं और ये देखें ये वाला कितना खूबसूरत है, ये वेलवेट में है और ये बहुत ही खूबसूरत है। वो रेड वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखिए व्यूअर्स ये कितना जो है खूबसूरत है और इसके ऊपर जय नमाज है। और ये वाला भी बहुत ही अच्छा स्टफ है, जिनके घुटने वगैरह दर्द करते हैं हम उस तरह की जय नमाज दे के पढ़ सकते हैं। ये भी जो है डिज़ाइन वगैरह पड़े हैं और बाकी जो है टेबल की शीट्स वगैरह पड़ी है इनके पास, ये साफियाँ वगैरह और ये फिर वही आ जाते हैं, ये सारे जो है ना सेंटर पीस हैं। तो ये क्या है, ये बेड शीट है? अच्छा, ये व्यूअर रजाई सेट है इधर इनके पास और ये नीचे भी सारे सेंटर पीस पड़े हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास। मोस्ट क्या सोफ़ा कवर्स भी इनके पास पड़े हैं। मोस्ट ही बंदा कहता है कि स्टॉल से शॉपिंग ना की जाए कि वहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त इनके पास ये स्टॉलर वगैरह, शॉल वगैरह गर्म और ये बेडशीट वगैरह भी इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। एक ये आप देख, मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाती हूँ कुछ कुछ जो है ना थोड़ी चीज़ें कम्फर्ट। और ये देखें अलकरम वाली जो है, ये मास्टर जो है मास्टर कॉपी कह रहे हैं वो वाली बेडशीट इनके पास बहुत ही प्यारी। और ये कुछ ऊपर भी लगी है, ये देखें ये वाली जो है बहुत खूबसूरत लगी, जिसमें पिंक फ्लावर्स हैं, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये देखिए अलकरम की, ये भी विकी रजाई सेट है और कंफर्टर वाली, सॉरी अच्छा ये कंफर्टर वाली हैं। और ये रोटियों रखने वाले जो है ये भी हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये इनके पास कुछ मैट वगैरह भी थे और अभी से व्यू दिखा दी वॉट यू वॉट इनके। यहाँ पे जो है काफ़ी शोर है, तो व्यूअर्स अभी यहाँ पे जो है शाम हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं घर। तो मुश्तबा साहब की हो गई है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो गई है मुश्तबा की, अभी हम जा रहे हैं घर। हाँ जी, मुश्तबा ने न्यू ड्रेस पहना है माशाल्लाह माशाल्लाह,
प्लीज सारे माशाल्लाह बोले। और ये इसकी छोटी सी फुप्पू है ज़ैनब, सामने आए जरा, जिसे मैं वेलकम किया। ये बहुत ही प्यारी बच्ची है और ये इसके मुश्तबा के, अब भी मुश्तबा अपनी दूसरी फुप्पू को देख रहा है। तो भी बस अभी हम चलते हैं घर, मिलते हैं सबसे। चलो ज़ैनब सुबह के जाना, तो हमें गेट तक सी ऑफ करेगी। तो अब अगर आप आंटी से मेरे आंटी को सी ऑफ करें। अल्लाह हाफिज आंटी, अल्लाह हाफिज। तो अभी हम मिलते हैं लाइबा से, लाइबा अल्लाह से सब बात करेगा। तो ज़ैनब आएगी हमें, ज़ैनब जो है हमें करेगी सी ऑफ। ज़ैनब फिर आप हमारे घर आएंगी। तो अभी बस अभी हम यहाँ से चलते हैं अबू बकर के जो है फ्रेंड के घर, हमारी दावत है, बारबेक्यू है। तो अभी बाकी का व्लॉग हम जाके करेंगे वहाँ पे शूट। तो ज़ैनब हमें बहुत अच्छा लगा मिलकर, लाइबा आपसे भी, आंटी आपसे भी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो भी बस अभी जाके हम मिलते हैं अबू बकर के दोस्त के घर बारबेक्यू पार्टी। तो भी बस हम आ चुके हैं जो है जहाँ हमने दावत पे आना था। तो ये देखिए बारबेक्यू यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी जो है डिलीशियस ये तैयार हो रहा है, कुछ तैयार हो भी चुका है। ये हम आपको दिखाते हैं कि जो तैयार हुए वो कितना ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। और बाकी जो है इसी जब सारा रेडी हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे फाइनल कि कैसा ये बना है और कैसे हम खाएंगे और कैसे हम जो है इसको खाली करके रख देंगे। इसको खाली करके रख देंगे। आप देख सकते हैं कितना ये ज़बरदस्त रेडी हो रहा है। तो भी भाई यहाँ पे हमारा बारबेक्यू रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार एंड यमी तैयार हुआ है। अभी हम इसको करेंगे तनावल, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यमी है, डिलीशियस है। तो अभी जो है हम जाते हैं नीचे, खाते हैं खाना और ये थोड़ा सा हमारा ज़रा सा। तो वे ये यहाँ पे खाना रेडी, अभी हम जो है खाना खाते हैं। और आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बारबेक्यू कैसा लगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।